है बीपीएससी के द्वारा आपको बता दें बीपीएससी टीआर टू भर्ती को लेकर आप सभी का एडमिट कार्ड जो है दो तारीख से जारी कर दिया जाएगा जिसको लेकर एक नोटिफिकेशन निकाला गया काफी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आपको जरूर समझनी चाहिए नहीं समझेंगे तो आगे आपको ही परेशानी होगी तो आइए पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बहुत ही शॉर्टकट में आपको पूरी जानकारी हम डिटेल में आपको बताएंगे नोटिफिकेशन देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है आवश्यक सूचना को लेकर विज्ञापन संख्या 2023, जो जो ले गया, गया जो जो कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी एडमिट कार्ड दो दिसंबर दो को जारी कर दिया जाएगा जिससे आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे अब यहां पर एक नंबर कि जो, जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं उनको पूर्व से ही आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है वो आपको रखना होगा जिसका साइज जो होगा पच्चीस के भी होगा डायमेंशन अढ़ाई सौ इंटू अढ़ाई सौ होगा इसको अपलोड करना होगा इसके लिए आपको क्या करना होगा डैशबोर्ड पर बीपीएससी का आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहीं से आएंगे ऑनलाइन अप्लाई वाले पर जब आप आएंगे यहां पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी स्टेप भी बता देते हैं यूजर आई पासवर्ड कैप्चा को डालकर जब आप लॉग इन करेंगे तो वहीं पर आपको डैशबोर्ड पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा करने के ये फोटो जो है आपको अपलोड करना है उसके बाद ही आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा यह आप क्लियर रूप से समझिए एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा इसमें आपकी परीक्षा केंद्र का कोड दर्ज होगी साथ ही साथ सेंटर कोड इसमें दिए गए रहेंगे जिला का नाम आपको देखने को मिलेगा बाकी की जो डिटेल है जैसा किस स्कूल में पढ़ा है किस जिला का तो ये आज आपको पता नहीं चलेगा ये जानकारी आपको पांच दिसंबर को पता चल जाएगा कि किस जिला के किस स्कूल में आपके सेंटर दिए गए हैं ये आप क्लियर हो जाइए एक नंबर पॉइंट आपने क्लियर समझ चुका होगा दो नंबर पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है उन अभ्यार्थियों के लिए जिन्होंने सिक्स टू एथ या नाइन्थ टेंथ के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वैसे अभ्यार्थी को यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने जो सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट या आ, वैसे विषय का चयन किया है जो सोशल साइंस वाले वे इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन आपको करना होगा उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा मतलब इनका क्लियर है कि जब आप डाउन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो पहला काम आपको फोटो डालना होगा फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बतानी होगी कि आपका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस रहा होगा तो इसमें चार सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे इतिहास भूगोल और शास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र होगा किसी दो विषय में से एक विषय आपके इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है उसका आपको चयन करना होगा विषय आप इतिहास भूगोल को चुनेंगे उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ये यहाँ पर क्लियर बताया गया है तीन नंबर पॉइंट में बताया गया कि अभी आप जान रहे होंगे ये अभी 18 महीने वाला जो डी कोर्स है इसे आ, सुप्रीम कोर्ट ने आ, खारिज कर दिया है तो इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि 18 माह वाले जो डी कोर्स है इनका मान्यता होगा जो लोग पूर्व में जैसे 8 10 8 2017 से पूर्व में कार्यरत शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर बताया गया उनको इससे परेशानी नहीं होगी अगला मेन पॉइंट कि जो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड को आपको दो प्रति लेकर आपको एग्जाम देने जाना है कोशिश करें आप तीन प्रति एडमिट कार्ड को प्रिंट करें एक प्रति अपने घर में सुरक्षित रखे दो प्रति आप लेकर एग्जाम देने जरूर जाए परीक्षा केंद्र पर इन बातों को ध्यान रखिएगा बाकी जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर मोहर होता है आपके भिक्षा के वो जरूर आप अंदर में करवाएंगे इसके अलावा बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड से संबंधित विस्तृत जानकारी 5 दिसंबर को उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो आप सभी कैंडिडेट 5 दिसंबर को एक बार पुनः लॉग इन कर अपनी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं आपकी जो एंट्री होगी एक घंटा पहले आपको हर हाल में वहां पर पहुंच जानी है इसकी जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगी इन बातों को ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम को जब दे देते हैं उसके बाद आपका जो भी ओ एम होता है इससे आप सील बंद जरूर करवाए उसके बाद ही आपको परीक्षा हॉल से निकलना है तो ये इसका ओवरऑल पूरी गाइडलाइन है एक बार आप खुद से भी डाउनलोड कर, कर समझ लीजिएगा बाकी हमने पूरी जानकारी बताया एडमिट कार्ड जैसे ही जारी किया जाएगा इसकी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट एस टी पर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में टीआरई टू एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था तो लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए धन्यवाद